अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम को ऐसा क्या कहा कि उनकी टीम मजबूर हो गई उनको ओपनर भेजने के लिए, और आपको साथ बताएंगे कि शाहिद अफरीदी ने कितनी बॉलों पर सेंचुरी बनाई और किस टीम के खिलाफ बनाई, और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के किस किस खिलाड़ी ने T20 में सेंचुरी बनाई और कितनी गेंदों पर बनाई। तो बस आप ये पूरी वीडियो देखते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। तफसीलात के मुताबिक बूम बूम अफरीदी कौमी क्रिकेट टीम से तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी किसी तरह भी कम नहीं हुई, जिसका मुजाहरा पूरी दुनिया ने काउंटी क्रिकेट में देख लिया है, जहां लाला ने सिर्फ 42 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में जारी काउंटी T20 चैंपियनशिप नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट में शाहिद अफरीदी ने हम्पशायर की नुमाइंदगी करते हुए डर्बीशायर के खिलाफ पहले क्वार्टर फाइनल में सिर्फ 42 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। वो अपनी टीम की जानिब से बाहैसियत ओपनर खेलने आए और 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से 101 रन स्कोर किए। शाहिद अफरीदी की जानिब से T20 क्रिकेट में ये उनकी पहली सेंचुरी थी। शाहिद अफरीदी की धुआंधार सेंचुरी और जेम्स वेनिस की 55 रन की बदौलत उनकी टीम हम्पशायर ने मुकर्ररा 249 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। इस इनिंग्स के जवाब में डर्बीशायर की टीम 148 रन पर ऑल आउट हो गई और हम्पशायर ने ये मैच 101 रन से जीत लिया। वाइज़े रहे कि शाहिद अफरीदी ने 42 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, जो इस फॉर्मेट में किसी भी पाकिस्तानी की जानिब से दूसरी तेज तरीन सेंचुरी है। इससे पहले अहमद शहजाद ने BPL में 40 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी, जबकि बिलाल आसिफ कौमी T20 में 43 गेंदों पर सेंचुरी बना चुके हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने मैनेजमेंट से कहा था कि आप मुझको 7वें नंबर पर भेज कर ज़ाया कर रहे हैं, अगर मुझे पहले भेजा जाए तो मैं एक पहाड़ जितना स्कोर खड़ा कर सकता हूं। टीम मैनेजमेंट ये बात सुनकर शाहिद अफरीदी को पहले नंबर पर भेजने का सोचा, और वही हुआ जो शाहिद अफरीदी ने कहा था। उन्होंने स्कोर बहुत बड़ा खड़ा कर दिया और अपनी टीम को फतह हासिल करवा दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और खूबसूरत वीडियो बना सकें और आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। शुक्रिया।